Hello everyone, this is Harinder Sahu, SEBI Registered Research Analyst with 13 years of experience in stock market. Apart from this, I am a full-time trader, mentor, and most important is strategy maker. So today's topic is Burger King ka IPO. क्या हमें इस IPO में invest करना चाहिए अपना, जो कि आप लोगों को आगे चल के फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं अपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताना चाहता हूं, जिसके बेसिस पे आपको इसमें एक व्यू मिलेगा, शुड आई गो फॉर इन्वेस्ट और नॉट। सो गाइस, बर्गर किंग का आईपीओ देख के आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। कभी सोचा है कि अगर हम अपना पैसा किसी में इन्वेस्ट करें जो आप बर्गर किंग खाएं, या वो पैसा बचा के इसके इन्वेस्ट करें इसके आईपीओ में? तो आइए, इन्वेस्ट करने से पहले या नहीं करें थोड़ा सा जान लेते हैं। सो बर्गर किंग का जो आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ ऑफ 13 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स का है, राइट? जो कि 810 करोड़ का पैसा फेस वैल्यू इसमें 10 के हिसाब से हम लोग इसमें जनरेट कर रहे हैं। द इशू प्राइस इज 59-60 पर इक्विटी शेयर के प्राइस बैंड पे आएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 250 क्वांटिटी। ये 250 क्या है, यानी कि आपको 250 के मल्टीपल में आपको इसको खरीदना पड़ेगा। एक आसान सी भाषा में बताऊं, आप एटीएम जाते हो, कई बार आपने देखा होगा पैसा विड्रॉ करते हो, 200 रुपए तो नहीं निकालता है, क्या बोलता है कि 500 के मल्टीपल में होगा। तो सेम लॉट साइज यहां पे 250 का है, तो आपको अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम 250 शेयर्स आपको मिलेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि 15,000 पर लॉट के आसपास का आपका आएगा। अच्छा, ये कब ओपन हो रहा है? कल 2 दिसंबर 2020 और एंड क्लोज ऑन 4 दिसंबर 2020। तो चार दिन का रहेगा। और इस मोटे आदमी को देख के पानी आ रहा है, आ जाओ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पानी आना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स बिजनेस। क्या करती है, क्या खाना चाहिए बर्गर या नहीं खाना चाहिए? सो की फैक्टर जो इसके बिजनेस है वो मैं आपको बताता हूं। फास्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, फास्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इस इंडस्ट्रीज में चेन है, ठीक है? सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड, हैविंग 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट एंड 8 सब फ्रेंचाइज बर्गर किंग रेस्टोरेंट हैं इसके। तो सोच के देखो सर, 216 बर्गर किंग फ्रेंचाइजीज, राइट? इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पैसा ये लोग जनरेट कर रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से, ये अपने जो डेब्ट्स हैं उसको कवर करने के लिए, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड, और ज्यादा रिटेल आउटलुक खोलने के लिए इस चीज के लिए कर रहे हैं, और अपने कॉर्पोरेट के जो भी ऊपर नीचे पैसा करना है उस चीज के लिए इसको रेज कर रहे हैं। अब मैं कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा, जो इसमें मुझे बहुत 5 पावरफुल फैक्ट्स लगे। वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, अभी पेंडेमिक का टाइम है, सो आप लोगों के लिए ये आईपीओ बनाने के लिए फैक्ट्स बिल्कुल दिल से कनेक्ट करने के लिए मैं इनके आउटलेट गया था। और बिलीव मी गाइस, सच बताऊं, कस्टमर वैल्यू के नाम पे नंबर 1 लगा, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है और सब चीज सैनिटाइज करी हुई थी, सब चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में था, और प्रॉपर डिलीवरी आपको दी गई, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया मेरे को लगा, फास्ट सर्विसेज पे, तो यस मैं इसमें मार्क्स दूंगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन, राइट? एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी था इनका, नो डाउट। अब मैं मैनेजमेंट जब आउटलेट में देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज को मैनेज करने के लिए भी इनके मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट टीम होगी, बहुत पावरफुल होगी। एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया,
फ्रेंचाइजी देने का है, वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन, राइट, कि एक से लेके डॉट डॉट जीरो से लेके डॉट टेन तक अगर मांगते हैं ना, तो सब चीजों को कनेक्ट करके चलता है, तो सप्लाई चेन भी बहुत अच्छा है चीजों को डिलीवर करने के लिए। ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, वो भी बर्गर किंग का है। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, नेट प्रोसीड फ्रॉम द आईपीएल बी यूज टूवर्ड्स फॉलोइंग पर्पसेस। आप ध्यान से समझिएगा, न्यू कंपनी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फाइनेंस द रोल आउट ऑफ ए न्यू कंपनी, ओके, सेकेंड टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये आपका सेकेंड है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिडन है, उनकी जो पैंडेमिक के टाइम पे जो डेप्थ आए हैं, ऑलरेडी आर दम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे, तो उसमें जो दिक्कत आ रही थी उसको भी रिपे करने के लिए, जो बोराइंग्स थी उसको भी रिपे करने के लिए उन लोगों ने ये पैसा इनिशियल पब्लिक ऑफर से माध्यम से लेने की कोशिश करी है। अब QSR प्रमोटर्स एंटिटी QSR एशिया PTE लिमिटेड सिंगापुर विल सेल अप टू 16 मिलियन शेयर्स। ध्यान से समझना, एग्रीगेटिंग 360 करोड़ एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, अपर बैंड यानी कि जो भी हमारा दो रेट होता है ना कि आपको 58 से 60, तो अपर बैंड 60 वाला होता है, उसके बेसिस पर 360 वाला हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर कैन अप्लाई मैक्सिमम अप टू 3250 इक्विटी शेयर, यानी कि 3250 इक्विटी शेयर्स एट हायर प्राइस बैंड पे आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, प्रमोटर विल गेट एट ₹44 पर शेयर। न्यूज के माध्यम से जो प्रमोटर्स है कंपनी के ऑनर्स है उनको ₹44 के पर शेयर के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, इन शॉर्ट में बात करूंगा। इसका जो टोटल एसेट्स है आप देखिए, पहले जो यहां पे 30 सितंबर है राइट, उसके बाद 31 मार्च 19, 31 मार्च 18, आप देखिए सर 18,7303 टोटल एसेट्स है। उसके बाद इनके एसेट्स बड़े हैं, जैसे इनका एक्सपेंशन ग्रोथ है, बराबर है, थम्स अप है, जा रहे हैं, बढ़िया है, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं हमें, और खोलो भैया, जब खोलोगे नहीं तो आप लोगों तक पहुंचेगा कैसे, चेन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, लॉयल्टी बेस्ड बिजनेस होता है ये पूरा का पूरा, राइट। तो 11,771, ठीक है, ओके फाइन। मार्च से सितंबर आपको ही पता है सर, पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, आप भी घर से बाहर निकल रहे थे, तो वो क्या बेचेंगे आपको, राइट। तो टोटल रेवेन्यू 3,887 से 6,000, डबल एक साल में। उसके बाद देखो और इंक्रीमेंट ही हुआ था, राइट, 2000 का और इंक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद पेंडेमिक के चक्कर में नो प्रॉब्लम सर, ये तो बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100, 700, 300 और 822, थोड़ा सा 19 मार्च 19 में देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कम हुआ था, एक क्वेश्चन मार्क आया, एनीवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये सब तो वो चीज है जो आपको दिखा के आपको लॉलीपॉप दिया जाता है कि देखो फाइनेंशियल अच्छे हैं, देखो ये चीज अच्छी है, रिवेन्यू अच्छा है, क्या उससे पैसा बनता है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं है, कैसे आपको मार्केट में अप्रोच करना है, राइट। आइए, सो वी कैन सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग ईयरली बाय ईयरली। नाउ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी QSR एशिया PTE लिमिटेड के जो है, द कंपनी है, ध्यान से समझ, तीन कैटेगरी है सर, 10% only for the retailers, only 10% retailers के लिए है, 15% non-institutionals के लिए, and 75% qualified IA के लिए, यानी कि qualified institutional investors के लिए है अपने। अब आइए, according to the survey, most important ये survey पे ध्यान रखना मेरे भाई, Burger King, King Research, anyway, King is growing rapidly in India, भैया चाइना के बाद हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री है, राइट। और यूथ बर्गर कौन खाता है, क्या बूढ़े खाते हैं, आप खिलाते हो अपने मम्मी पापा को, ध्यान से समझना, क्या आप अपने मम्मी पापा बोलोगे कि पापा बर्गर खाओ, मम्मी बर्गर खाओ, ट्रेडिशन फर्स्ट थिंग आपको बैरियर है। दूसरा बैरियर, आप अपने मम्मी पापा को हेल्थ कॉन्शियस करने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ गिविंग क्या जंक फूड, सॉरी गाइस मेरा नहीं है स्टेटमेंट, आप बोलते हो ये जंक फूड है,
अपने बच्चों को क्या खिलाना पसंद करोगे? बच्चा जान मुझे खा लेगा 100 रुपए 200 रुपए आपसे पॉकेट मनी लेके, क्या आप सामने से बोलोगे कि जाओ मेरा बेटा जा बर्गर किंग में जा, पिज्जा जा, डोमिनोज जा खा के आ, सबवे जा खा के आ? आप बोलोगे, आप खा लोगे, ना बच्चों को बोलोगे ना मम्मी डैडी को बोलोगे। यानी कि आपने जो 3 जनरेशन है उनमें से 2 जनरेशन को डाउन कर दिया है, सिर्फ आप बचे वो भी मजबूरी में जाके खाओगे। एनीवे आ जाओ कम टू द टॉपिक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं तो आपको हिंट देता रहता हूँ। द कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 230 करोड़ 2017 से 633 करोड़। आई विल टॉक अबाउट द बिजनेस नाउ, राइट? वो तो हेल्थ कॉन्शियस के हो गया, ग्रो कर रहा है, ओके, सरेंडर है बॉस, वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल बिजनेस। द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट लॉसेस फ्रॉम 72 करोड़ टू 38 करोड़ 2017 से 2019। ये एक साल पेंडेमिक है, दिमाग लगाओ। दूसरा पॉइंट बताओ, पेंडेमिक चल ही रहा है और अचानक से आईपीओ लॉन्च करने की क्या नौबत आ गई? यूज योर ब्रेन, थिंक लाइक अ बिग शार्क ऑलवेज। एनीवे, मिनिमम 1 लॉट 250 15,000 का कट ऑफ वैल्यू है, मैक्सिमम 13 लॉट आप काम कर सकते हो, लेकिन 3,250 अगेन 1,95,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग 99.39% है इसका, प्री इश्यू शेयर होल्डिंग इसको बोलते हैं और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 52.9% है, राइट? ये लॉट साइज के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसका जो ऑफर प्राइस, भाई बिड ऑफर ओपन होगा 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को क्लोज होगा, एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब होगा आपका फाइनलाइज जो होगा ये 9 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा। इंटीमेशन ऑफ रिफंड अगर आपको नहीं मिले, जो पूरी दुनिया आईपीओ 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 करते हो, भागे रहते हो, गधे की चाल चलते रहते हो, तो पूरी दुनिया आपको 10 तरह के लोग आपको वीडियो बताएंगे, हाँ अच्छा है ये बुरा है, और आप उसको पकड़ते हो। एनीवे, आप अपना पैसा ब्लॉक करके रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो पैसा है, मजे की बात इतना ट्रांसपेरेंसी आ गया कि एक दिन में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमैट अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में कब पैसे वो शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? 11 दिसंबर को। आईपीओ शेयर लिस्ट डेट 14 दिसंबर को लिस्ट होगा। और गाइस आपको याद है, कम ऑन, याद है कैम्स आईपीओ 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर, लाइव प्रूफ मैं आपको शेयर किया था अपने टेलीग्राम में, याद है कि नहीं याद है? आप अप्लाई करो आईपीओ, मैं इंट्राडे ट्रेड करके मैं 7.5 लाख रुपए मैंने कैंस आईपीओ लिया था। अगर इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया तो ये फिर मेरे रडार पे हो जाएगा और हो सकता है 14 दिसंबर को 1, 2, 3, 4, 5 लाख का आपको फिर से एमपीएम इसके अंदर भी शेयर करें। तो होप फॉर द बेस्ट, आइए। सो बर्गर किंग आईपीओ डिटेल्स आपको मिल गई है सर, आप एक बार देख लीजिए सर, ये सारी डिटेल्स हैं, ये सब आपको यूट्यूबर में बहुत सारे दे दिए होंगे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आई विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये कंपनी के बारे में है, ठीक है? तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अब आप सोचिए कि बर्गर किंग ने ये जो टाइमिंग है, क्या ये सही टाइम है चूज करने का उसको आईपीओ का? किस लिए उसने चूज किया? पेंडेमिक, रिटेल आउटलेट्स बंद, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, अपने ऑपरेशन कॉस्ट को कंटिन्यू रन करने के लिए, क्योंकि इस मार्केट में फूड चेन इंडस्ट्री जो है इसमें वही जीतेगा जो इस चीज को होल्ड करके रख जाएगा, मार्केट को ग्रिप को पकड़ के रखेगा पेंडेमिक टाइम में, जो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा, राइट? अब आई इन्वेस्टमेंट की बारी, क्या इसमें आईपीओ में पैसा लगा है? अगर यहां मैं 2 पॉइंट से बात करूंगा, एक है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक है लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो, गाइस मेरा जो रहेगा उसका मैं आपको आंसर अभी दे दूंगा, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो तो गाइस इस बैंड में मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगा कि लिस्टिंग गेन में जाओ, क्योंकि इसका और बहुत अच्छे अच्छे कंपिटेटर है, जो आप पैसा यहां पे लगा रहे हो यही पैसे को आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो। सो यहां पे जो हम बात करना चाहते हैं, बुरे और अच्छे की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात करना चाहता हूं कम अच्छा और ज्यादा अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना चाहता हूं। तो गलत तो कुछ नहीं है, बट कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो आपका फूड चेन सप्लाई है, इस तरह के इंडस्ट्रीज में आपका जो सबसे बिगेस्ट कंपिटेटर है वो फूड, स्ट्रीट फूड वाला है। शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको
एक खासियत मिल जाएगी कि यार यहाँ की ये चीज फेमस है। और मजे की बात जो मैंने आपको हिंट दिया, आपके घर में तीन जनरेशन रहती है मिनिमम ऑन एन एवरेज, कि आप, आपके बच्चे और आपके मम्मी पापा, राइट? क्या आपने मम्मी पापा का प्रिफर करोगे? क्या आप अपने बच्चे को प्रिफर करोगे? और फिट इंडिया का मुहिम क्या है? अपने आप को फिट रखो। तो क्या आप इसको हेल्दी फूड बोलोगे या फिर जंक फूड बोलोगे? अब रह गया बिजनेस। मेरे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग ने कहा था, पैसा वहां लगाना है जहां पे कोई बैरियर ना हो। ये भी यूज करें, ये भी यूज करें, ये भी यूज करें। तो इन्वेस्टिंग के पर्पस से अगर ये तीनों लोग यूज कर रहे हैं, आई विल गो फॉर इट। तो ऐसा आईपीओ ढूंढो या ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जहां पे ये तीनों कंजम्पशन, तीनों कंज्यूम कर रहे हैं, तीनों कैटेगरी। तो गाइस, होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, अच्छा ज्यादा अच्छे में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इस आईपीओ में पर्सनली मैं अपना पैसा ब्लॉक नहीं करने वाला हूं जस्ट बिकॉज ऑफ लिस्टिंग है, और इन्वेस्टिंग का अभी मैं नहीं बात करूंगा। हाँ, एक दो महीने इस शेयर को देख लेते हैं कैसे रिएक्ट करता है, क्या इसका आउटलुक आता है, उसके बाद भले ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में कर लेंगे। इतना टाइम रुक गया, दो महीने और सही, तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा, इसके कुछ मैनेजमेंट के कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद करेंगे, राइट? और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं 14 दिसंबर को इस आईपीओ में ट्रेड करने वाला हूं। अगर सब चीज पैरामीटर, मेरा जो सेटअप होता है ट्रेडिंग का इंट्राडे, उसमें अगर ये आया तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। जैसे कैंप्स आईपीओ में 7.5 लाख रुपए कमाया था, तो कोशिश करेंगे इसमें भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ तो कमा के निकले, क्योंकि आप सबने पैसा लगाया। और मजे की बात, जहां पब्लिक पैसा लगाती है वहां पे आपका अपोनेंट हमेशा जीतता है। तो लेट्स सी, 14 दिसंबर पे मिलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आप भी इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हो, और लगा रहे हो एक रीजन जरूर देना। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अपना ध्यान रखिए और अपने पैसे का भी ध्यान रखिए। और अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। जय हिंद।